वेलकम टू GGC हिस्ट्री प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आज है 23 नवंबर 2019, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के डेट में निकल के आने वाले करंट अफेयर का फुल डिटेल में। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डेट में निकल के आने वाले पहले करंट अफेयर का। दोस्तों, इला वेनिल और दिव्यांश पवार ने ISSF विश्व कप में जीते स्वर्ण पदक। दोस्तों, इला वेनिल वालारिवन और दिव्यांश पवार ने चीन के पुतियाना में ISSF विश्व कप के पहले दिन भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। 20 वर्षीय इलावेलिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में युवा दिव्यांश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वर्तमान में भारत 3 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद चीन 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पद के साथ दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर हमारा निकल भारत प्रकाश जावड़ेकर ने IFF 2019 में फिल्म बाजार का किया उद्घाटन। दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या डिटेल में बताया जा रहा है। देखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित फिल्म बाजार का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण के अवसर पर किया गया। फिल्म बाजार दक्षिण एशियाई और राष्ट्रीय फिल्म समुदायों के बीच रचनात्मक और वित्तीय सहयोग की को प्रोत्साहित करता है। पिछले वर्ष में लॉन्च मार्ग रीट विद द ए स्ट्रॉन्ग चौथी कूट किस्सा मिस लवली दमन लाइके हाइसा और थीथी जैसी फिल्मों के किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ NTPC और SSC सिजिल के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर दोस्तों हमारा, असम सरकार ने 30 साल बाद नई भूमि नीति 2019 जारी। दोस्तों, इसकी डिटेल देखिएगा क्या कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार की गई भूमि नीति 2019 जारी की। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 21 तारीख को यह नीति मंजूर की थी और इसे राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 वर्ष बाद तैयार किया है। पिछली नीति 1989 में तैयार की गई थी। राज्य सरकार ने मूल निवासियों के हितों की रक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है, इस नीति से भूमि आवंटनों को और चकबंदी संबंधी जटिलताएं दूर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहां IBPS SO 2019 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। और दोस्तों, जैसे शुरुआत में ही मैंने चर्चा किया था, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं। अगली करंट अफेयर हमारी दोस्तों देखिएगा क्या निकल के। रूस IFFI 2019 का फोकस देश। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 IFFI का फोकस देश हर साल उस देश को बनाया जाता है जो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है, और इस वर्ष के महोत्सव का फोकस देश रूस है। इस कार्यक्रम के दौरान रूस की 8 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे RRB और NTPC के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और रूस की राजधानी मास्को। रूस की करेंसी दोस्तों रूसी रूबल है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर हमारा क्या निकल के आया।
सत्य नडेला ने फॉर्च्यून की बिजनेस समर्पण ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किया टॉप। भारत में जन्मे माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला फॉर्च्यून के बिजनेस पर्ड ऑफ द ईयर 2019 की सूची में टॉप पर काबिज हैं। इसके अलावा सूची में मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा और आरिस्ता के हेड जयश्री उलाल भी शामिल हैं। इस सूची में बंगा 8वें स्थान पर हैं, जबकि उलाल 18वें स्थान पर है। फॉर्च्यून यह लिस्ट 10 आर्थिक कारकों पर गौर करके जारी करता है, जिसमें शेयर धारकों को मिले कुल रिटर्न से लेकर पूंजी पर मिला रिटर्न तक शामिल है। बंगा और उलाल दोनों ही भारतीय मूल के हैं। फॉर्च्यून की वार्षिक बिजनेस पर्सन ऑफ ईयर द ईयर सूची में दुनिया के 20 ऐसे सीईओ चुने गए जिन्होंने मुश्किल लक्ष्य को साधा, असंभव मौकों को भुनाया और क्रिएटिविटी तरीके से समाधान तलाशे हैं। दोस्तों, अगला करंट अफेयर की हम डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ने DHFL बोर्ड को निलंबित करके हाथों में लिया प्रबंधन। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबी होम लोन कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड को निलंबित कर दिया है। साथ ही कंपनी के दिवालियापन कानून के तहत जल्द ही समाधान प्रक्रिया शुरू करने वाली है। दोस्तों, DHFL भारत की पहली वित्तीय कंपनी होगी जो दिवालिया होने जा रही है। रिजर्व बैंक ने DHFL को भिन्न भिन्न भुगतान दायित्व को पूरा करने में द्वारा बोर्ड की नाकामी और सूचक के कारण निलंबित किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व MD और CEO सुब्रमण्यम कुमार को DHFL का एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आते हैं। DHFL का मुख्यालय हरियाणा में है, इसके CEO कपिल वाधवन हैं। दोस्तों, अगला करंट अफेयर हमारा दिल्ली में शुरू हुई ग्लोबल बायो इंडिया समिति 2019। जी हाँ दोस्तों, 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का नई दिल्ली में आरंभ हो चुकी है। यह भारत की पहली आयोजित होने वाले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों के सम्मेलनों में से एक होगा। यह अकादमी नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं माध्यम और बड़ी कंपनियों के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। इस मेगा सम्मेलन लगभग 25 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि और भारत के 15 से अधिक राज्य में शामिल हों भाग लेंगे। अगला दोस्तों करंट अफेयर, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 से सम्मानित किया गया। सूची में शीर्ष रैंक पर प्राप्त करने वाले राज्य तमिलनाडु, शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला पेड्डापल्ली तेलंगाना का है और अधिकतम नागरिक भागीदार वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। दोस्तों, यहाँ NTPC एसोसिएशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ाड हैं। दोस्तों, अगला करंट अफेयर हमारा निकल गया, NIA पहली दफ़ा काउंटर टूरिज्म अभ्यास की करेगी मेज़बानी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पहली बार नई दिल्ली में क्वाड देशों के काउंटर टूरिज्म अभ्यास की मेज़बानी करेगा। क्वाडम देशों में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। NIA के अनुसार इसका मकसद संभावित नए आतंकी खतरों को मद्देनज़र आतंकरोधी प्रतिक्रिया के
तंत्र का मूल्यांकन करना है और उसे पुष्टि करने की कवायद है। साथ ही इसका उद्देश्य सदस्य देशों को उनके सर्वश्रेष्ठ और तौर तरीकों को साझा करने का अवसर मुहैया कराना है, सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की तलाश करना है। दोस्तों यहाँ पे NTPCSSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। NI के महानिदेशक योगेश चंद्र मोदी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों अगला करंट अफेयर हम देख दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर भारतीय नौसेना अकादमी को मिला प्रेसिडेंट कलर सम्मान। भारतीय सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के कोची में भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कलर्स किसी भी सैन्य टुकड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय नौसेना अकादमी अधिकारियों द्वारा पिछले 50 वर्षों के दौरान 3 अलग अलग स्थानों कोची, गोवा और एझिमाला में प्रशिक्षण देने में की गई विशिष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए दिया गया है। दोस्तों यहां IBPS 2019 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अगला स्टेप देखेंगे दोस्तों, अगले वर्ल्ड COPD क्रॉनिक एक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD डे का आयोजन करता है। इस वर्ष इसे 20 नवंबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत पहली बार 1997 में WHO गोल्ड और अमेरिका के अन्य संस्थानों द्वारा की गई। इस वर्ष COPD डे का विषय ऑल टुगेदर एंड कॉप्ट है। इसे इस बार जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया गया है। कह रहे हैं COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह आमतौर पर घातक कणों या गैसों के महत्वपूर्ण संपर्क द्वारा वायुमार्ग और या कूपीय असमानताओं के कारण होता है। दोस्तों इसके बाद अगला करंट अफेयर हमारा निकल IIM इंदौर ने लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के साथ की साझेदारी। IIM इंदौर ने मसूर के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायक सदस्यों के आदान प्रदान को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन सामाजिक रूप से जागरूक रहने और समाज और राष्ट्र में योगदान देने के लिए दृष्टि के अनुरूप दोनों राष्ट्र ने सार्वजनिक प्रशासन समझौता ज्ञापन सामाजिक रूप से जागरूक रहने और समाज राष्ट्र में योगदान देने के लिए दृष्टि के अनुरूप दोनों संगठनों ने सार्वजनिक प्रशंसा प्रबंधन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में आम हित के अनुसंधान गतिविधियों में संयुक्त भागीदारी के लिए सहमति व्यक्त जताई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पीछे मकसद इन तीनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि को एक साथ लाना है, उन्हें एक दूसरे की समस्याओं को समझने और समाधान खोजने में सहयोग करना है। दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। LBSNAA के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा, इनकी स्थापना 1959 ईस्वी में मैसूर उत्तराखंड में हुई। दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा करंट अफेयर आज की डेट में निकल के आने वाले सारे करंट अफेयर समाप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों।